आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज लेक्चर नंबर 12, द कॉर्ड सिस्टम इन इंडियन म्यूजिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। स्पेशली अगर आप रियाज करना चाहते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स का, सूफी सॉन्ग्स का, या फिर आप एक बैंड के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, देन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर। और इसमें आज के जो कॉर्ड सिस्टम में मैं बेसिकली अपना जो इंडियन म्यूजिक है, दैट इज बॉलीवुड म्यूजिक, मेनली उसी की मैं चर्चा करूंगा। मैं कोई आपको यहाँ पे कीबोर्ड का लेसन या फिर डिटेल में कॉर्ड्स की आपको ट्यूटोरियल देने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ वोकल के हिसाब से कॉर्ड सिस्टम क्या होता है मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा आज। ओके, तो पहले की जो हमने जो लेक्चर्स देखे थे, बेसिकली उसमें हमने वेरियस फॉर्म्स जाने थे कि हमारे म्यूजिक में कितने सारे प्रकार हो सकते हैं। परंतु अब जो लेक्चर है उसको प्रैक्टिकली क्या क्या कॉर्ड्स उसमें लगते हैं, कॉर्ड्स कितने तरीके के होते हैं, कॉर्ड्स क्या होता है वो हम देखेंगे। तो अगर आपको रियाज करना प्रॉपर तरीके से सीखना है, या फिर ये जानना है कि हाँ इस गाने में कौन से कॉर्ड लग रहे हैं, या फिर किसी एक वेरियस फॉर्म्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉलीवुड गाना ले लें अपन, आज मैं 24 बॉलीवुड गाने आपको बताऊंगा जिसमें हमारे 24 कॉर्ड्स लगे हैं। वैसे तो मैं डिटेल में बताऊंगा, परंतु एक गाने में एक कॉर्ड की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, इसलिए हम इसको जान के चलेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी एक अलग से लेक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको जानना होगा, कॉर्ड को जानने से पहले सबसे पहले मेन चीज हमें क्या समझनी है, हारमनी और मेलोडी। What is the difference between harmony and melody? उसके बाद फिर हम आएंगे वेस्टर्न नोट्स पे और हमारे इंडियन नोट्स पे। इन दोनों का जब कंपैरिजन हो जाएगा फिर मैं आऊंगा कॉर्ड्स पे। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मेलोडी। हमारा जो म्यूजिक है वो है मेलोडी प्रधान। मीन्स व्हाट? कि एक टाइम पे, ऑफ कोर्स अगर मैं सिंगिंग कर रहा हूं तो मैं एक टाइम पे एक ही तो सुर गाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यमन गा रहा हूं, और मेरा जो पूरा जो म्यूजिक है वो सा से अपनी जो तारतम्यता है, जो कंटिन्यूटी है, वो नहीं छोड़ रहा। अल्टीमेटली मैं सा पे आ रहा हूं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं मेलोडी क्या है, क्योंकि हमारा म्यूजिक जो बेस है हमारे म्यूजिक का वो क्या है, मेलोडी। जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसका बेस है हारमनी, मैं उस पर आऊंगा अभी। इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, कॉर्ड्स, तो वो डिस्कस करना है मुझे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ मेलोडी क्या है। राग संगीत जो हमारा वो मेलोडी संगीत है। तो अल्टीमेटली मैं साह पे आ रहा हूँ, चाहे वादी स्वर क्या है, गंधार। यमन का वादी स्वर है ग, महत्वपूर्ण स्वर, इंपॉर्टेंट नोट। यमन का कौन सा है, ग, लेकिन अल्टीमेटली तो मैं साह पे आ रहा हूँ, मेरे गारे सा पालमा गारे मागारे सा। तो सा से मेरा रिश्ता कभी भी नहीं टूट रहा, ये मेलोडी है, मेलोडी का आधार ये है। अभी ये तानपुरा आप सुन रहे हो तो ये सा बज रहा है, अल्टीमेटली मेरा जो आधार है वो सा है, तो ये हमारा मेलोडी म्यूजिक है। समझ आ रहा है, एक टाइम पे एक ही सुर। परंतु व्हाट इज द बेसिस ऑफ हारमनी? हारमनी में एक साथ एक से ज्यादा स्वर बजते हैं, और वो बजते कैसे हैं, उसका बेस क्या है, कॉर्ड। तो जब मेलोडी में, देखिए मैंने लिखा भी है आपको दिख रहा होगा, जब मेलोडी में मैं कॉर्ड्स जोड़ देता हूं तो मेरा हारमनी हो जाता है। अब कॉर्ड क्या होता है उसमें मैं आऊंगा, परंतु हारमनी क्या है। हारमनी मीन्स व्हेन मोर देन वन नोट इज बीन प्लेड टुगेदर। हमारे आजकल की म्यूजिक में अगर हम देखें तो सबसे अच्छा जो हारमोनी का जिसने सबसे अच्छा यूज किया बॉलीवुड में, दैट इज एआर रहमान साहब और प्रीतम दा। आप प्रीतम की कुछ कंपोजिशन आप अगर सुनेंगे तो उसमें देखिए हारमोनाइज हुआ हुआ है। एक दिन तेरी राहों में बाहों में पराहों में, ये तो मेरी चल रही है मेलोडी, बेसिक मेलोडी। लेकिन इसके पीछे भी आप सुनिए कोरस चल रहा है, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, एक दिन तेरी राहों में।
अब मेरे साथ एक और सिंगर होता तो मैं प्रॉपर तरीके से बता देता, लेकिन आप समझिए, एक दिन तेरे ना, एक मेलोडी मेरी ये चल रही है, एक बेसिक मेलोडी चल रही है कंपोजिशन, एक दिन तेरे ना हो, एक दूसरी मेरी ऊपर चल रही है, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है दैट इज हार्मोनाइज्ड। तभी आप देखिए वेस्टर्न में अगर आप देखेंगे तो वहां पे पियानो का ज्यादा महत्व है, वहां पे कोरस का ज्यादा महत्व है, एक दो सिंगर्स मिलके गाते हैं उसको कहते हैं कोरस। तो हार्मोनाइज्ड म्यूजिक तभी बनता है, एक स्वर से ज्यादा अगर बनाऊंगा मैं बेसिक मेलोडी में दूसरी मेलोडी में ऐड करूंगा, हैविंग रिगार्ड टू द वेरियस मॉडल चेंजेस, ये वेस्टर्न के टर्म्स हैं, तो फिर मेरी हार्मनी बनती है। या फिर आप एक और गाना देखिए, तू ही हकीकत ख्वाब तू, ये मेरी मेलोडी है, अब तू हम सफर, पीछे से कोरस भी चल रहा है, आप सुनना इस गाने को अच्छे से, आपको हार्मनी का पता चलेगा, क्लियर है। और इस कारण से हमारा जो म्यूजिक है उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्यों है सबसे ज्यादा, आप वेस्टर्न का म्यूजिक सुनो आप एकाग्रता नहीं होगी, परंतु आप हमारा म्यूजिक सुनोगे आप में एकाग्रता आ जाएगी, क्यों, स्थिरता है, क्योंकि साल से कभी भी रिलेशन नहीं टूट रहा, कोई भी आप राग ले लीजिए कोई भी गाना ले लीजिए साल से रिलेशन उसका नहीं टूट रहा, कोई भी एक जैसा कोई भी अगर राग लेते हैं उसका हम आलाप लेते हैं तो हम देखेंगे साल से उसका रिलेशन कभी भी नहीं टूटेगा, दैट इज द बेस ऑफ आवर मेलोडी। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मध्यमात सारंग एक राग ले लेते हैं सारे, इसका वादी स्वर है ऋषभ, रे निसारे मारे पामारे निसारे मापा नी पामापा रे मारे निसारे, अल्टीमेटली सा पे आ रहा हूं मैं, ये मेरी मेलोडी है, क्लियर है। तो मैंने आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मनी एंड मेलोडी, ओके। अब मैंने क्या बताया, मेलोडी में जब मैं कॉर्ड सिस्टम जोड़ दूं तो मेरी हार्मनी बनती है। अब व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड के लिए लिखा है नंबर ऑफ म्यूजिकल नोट्स प्लेड और संग या तो बजाए जाए, ये देखिए नंबर ऑफ म्यूजिकल नोट्स व्हेन प्लेड टुगेदर और संग टुगेदर फॉर्म्स अ कॉर्ड। अब नंबर लिखा मैंने, नंबर का यहां पे मतलब है एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा मैं अगर बजा दूं तो वो मेरा कॉर्ड बन जाता है, लेकिन हम यहां पे कौन से डिस्कस करेंगे, तीन स्वरों के समूह को डिस्कस करेंगे, जिसको क्या कहा मैंने ट्राइड, इसको कहता हूं ट्राइड, द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नोट्स व्हेन प्लेड टुगेदर इज नोन एज ट्राइड, कॉर्ड का एक और नाम है। तो कॉर्ड एक स्वर से ज्यादा अगर साथ में दबा दूं तो मेरा कॉर्ड बन जाता है, क्लियर है। अब जैसे कोई भी गाना, जैसे अब जैसे आप हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ये सी शार्प मेजर कॉर्ड बजा रहा हूं मैं, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे This is C sharp major chord. अभी chord मैंने आपको सिर्फ बताया chord क्या होता है। When देखिए एक से ज्यादा स्वर जब साथ बजाए जाए या गाए जाए उसको मैं कह देता हूँ chord। अब chord दो सुर का भी होता है, तीन सुर का भी होता है, चार सुर का भी होता है। मैं सिर्फ तीन स्वर वाले chord डिस्कस कर रहा हूँ, वही हमारे काम के, वही बॉलीवुड में यूज होते हैं। So I hope I'm clear। अब देखिए साहब chord पहले मैंने बता दिया क्या होता है, अब मैं आऊंगा कि chord कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉर्ड मेनली मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो कॉर्ड दो प्रकार के होते हैं, मेजर और माइनर, मेजर और माइनर। अब डिफरेंस समझिएगा क्या लिखा है मैंने, इधर मैंने लिखा है 4:3, इधर लिखा है 3:4, इस पे मैं बाद में आऊंगा। सा गा और पा, सा कोमल गा और पा, इधर मैंने ये लिखा है, टोटल 12 स्वर है हमारे, है ना। अब 12 स्वर में सात तो शुद्ध स्वर है और 5 विकृत है। अब इसको वेस्टर्न में लिंक करके बताता हूं, चाहे कोई भी म्यूजिक ले लो आप, इन 12 नोट्स में सारा का सारा म्यूजिक आ जाता है। मैंने क्या बताया सात शुद्ध स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसको वेस्टर्न में क्या कहूंगा, सी डी
C D E F G A B C C B A G F E D C सारे गामा पधा नी सा साने रबा मांगरे सा वेस्टर्न में भी भैया इनके नाम है वेस्टर्न में सारे गामा पा थोड़ा चलता है तो सी डी ई एफ जी ए बी सी जब आप स्टाफ नोटेशन सीखोगे अगर आप ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से आप अगर सीख रहे हो कीबोर्ड तो वहां पे तो ये सी डी ई एफ जी ए बी सी ये नोटेशन चलेगी आपकी ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा एक तो ये जो नोट्स है ये आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगे रोहित कटारिया म्यूजिक अकेडमी। अगर आज का लेक्चर समझना है आपको और ढंग से तो ये नोट्स जरूर उतार लीजिएगा। 3 घंटे लगे मुझे बनाने में ये सिर्फ ये चीज ये जो मैं अभी गाने डिस्कस करूंगा आपसे 3 घंटे लगे मुझे तो आप कम से कम 13 मिनट देके ये लिख तो सकते हैं ठीक है ना इतना तो कर ही सकते हैं आप तभी इस लेक्चर से बेनिफिट होगा और मेरे को भी तभी लगेगा कि मेरी सेवा कंप्लीट हुई है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है मैं अपलोड कर दूंगा आज ही 9 बजे तक रात को आपको ये मिल जाएंगे सारे नोट्स। प्लीज इसको उतारिएगा क्योंकि मैंने हर कॉर्ड के साथ उसका गाना भी लिखा है मैंने कि इस टॉनिक कॉर्ड पे कौन सा गाना है इस कॉर्ड पे कौन सा गाना है तो आप सोचिए मैंने कितना टाइम लगाया होगा कि पहले तो कॉर्ड देखा फिर मैंने सर्च किया होगा कि कौन से कॉर्ड पे आ रहा है फिर जाके मैंने लिखा है क्लियर हो रहा है। तो इट इज वेरी हार्ड वर्क आप इस चीज को समझिए और रियलाइज कीजिए इसको जरूर नोट कीजिएगा ओके। रोहित कटारिया म्यूजिक अकेडमी पेज पे आपको ये मिल जाएगा ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। अब मैंने पहले आपको क्या बताया कि हमारा जो म्यूजिक है उसका बेस है मेलोडी ठीक है और बाहर का जो म्यूजिक है वेस्टर्न का उसका बेस है हारमोनी लेकिन अल्टीमेटली सुर तो बारह ही यूज हो रहे हैं कैसे सा रे गा मा पा धा नी सा ये 7 शुद्ध स्वर और 4 विकृत स्वर रे गा धा नी कोमल ठीक है और 1 मा तीव्र शार्प तो ये मेरे 12 स्वर। अब वेस्टर्न में क्या है साहब वेस्टर्न में कोमल और तीव्र का कुछ नहीं है वहां हमेशा तीव्र तीव्र ही है उसका शार्प का ही वो कॉन्सेप्ट मानते हैं। देखिए मैंने आपको मेंशन किया अब सारे 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 अब सा और रे के बीच में कोमल रे आता है अब उनके क्या होता है सी और डी है मैंने बताया सारे का मां पाता नहीं सा सी डी ई एफ जी ए बी सी ये मैंने ऊपर लिख रखा है। अब सी और डी के बीच में क्या था सी शार्प डी और ई के बीच में क्या आता है डी शार्प ई और एफ के बीच में कुछ नहीं आता क्यों नहीं आता बताऊंगा एफ और जी के बीच में क्या आता है एफ शार्प जी और ए के बीच में क्या आता है जी शार्प शार्प का मतलब क्या है चढ़ावा ऊपर ऊपर की तरफ क्योंकि बाहर में कोमल कोमल जैसा कुछ नहीं होता वहां वो हालांकि कोमल को वो फ्लैट कह देते हैं वो अलग बात है परंतु वहां पे शार्प होता है। अब जी और बी के बीच में क्या आएगा ए शार्प सॉरी जी ए और बी के बीच में क्या आएगा ए शार्प और फिर सी आ गया तो 7 जो हमारे जो शुद्ध स्वर उनको वो क्या कहते हैं दैट इज नेचुरल नोट्स कहते हैं उनको क्लियर है और हमारे क्या कहते हैं शुद्ध स्वर। तो 5 मेरे शार्प हो गए वेस्टर्न में सी शार्प डी शार्प एफ शार्प जी शार्प ए शार्प। अब इसको मैं आपको कीबोर्ड पे दिखा भी देता हूं आई होप आपको दिख रहा होगा ये आप देखो साहब मेरा टॉनिक स्केल पहला काला है अब पहले काले को क्या कहता हूं मैं सी शार्प सारे गामा या फिर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस देखें इसको मैं क्या मान लेता हूं अपना रूट नोट मतलब जहां से मेरे को आसानी होती गाने की मेरा जो आधार स्वर है सी सी सारे गामा पा धा नी सा ये सारे शुद्ध स्वर है मेरे इसको मैं वेस्टर्न में क्या कहूंगा सी डी ई एफ जी ए बी सी सी डी ई एफ जी ए बी सी सारे गामा पा धा नी सा डो रे मी फा सो ले सी सा ये फ्रांस में ये चलता है डोरे मी फा सो ले सी सा लेकिन वो नहीं जानना अपन को तो जानना है कि कॉर्ड समझने तो उसके लिए वेस्टर्न की आपको मैं नोटेशन बताऊं। अब समझिएगा साहब ये मेरा सी है सी और डी के बीच में क्या आ रहा है सी शार्प देखो अब ये 7 तो मैंने क्या है नेचुरल नोट सी डी ई एफ जी ए बी सी
अब पांच ये जो काले आ रहे हैं इनको कहता हूं शार्प. दिस इज सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प एंड ए शार्प. सी और डी के बीच में देखो सी शार्प आ रहा है, क्लियर है? डी और ई के बीच में आ रहा है डी शार्प. ई और एफ के बीच में देख लो कुछ भी नहीं है. ये मेरा ई है, सी डी ई और एफ. ई और एफ के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, यही मैंने लिखा है. देखो क्लियर हो रहा है आपको? अब देखो A-D-E-F-M-G-F-G. अब F और G के बीच में क्या है? F शार्प. ये जो जितने भी काले हैं पांच ये मेरे शार्प हैं. G और A के बीच में क्या रहा? G शार्प. A और B के बीच में आ रहा A शार्प. और C और B के बाद सीधा फिर C आ रहा है मेरा, तो इसका मतलब B का शार्प नहीं है और E का शार्प नहीं है. देखो देखो ना, सी डी ई. अब ई के ऊपर काला नहीं है ना भाई, तो इसलिए ई हमेशा फ्लैट होता है और बी भी हमेशा फ्लैट होता है. तो शार्प कौन से हुए? सी डी एफ जी शार्प और ए शार्प. क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन्हीं के आधार पे मेरे कॉर्ड्स बनेंगे. तो आई होप आई एम क्लियर. तो सी सी शार्प, डी डी शार्प, फिर ई एफ, क्योंकि ई का शार्प नहीं है, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B और C. क्लियर है? अब इनसे मेरे कॉर्ड्स बनेंगे. देखिए साहब, अब मैं सबसे पहले आता हूं मेजर कॉर्ड पे, सा, गा और प. मैंने बताया था हमारा जो शुद्ध सप्तक है, देखो अब मैंने पहले आपको थाट पढ़ा दिए, इसका रिलेशन थाट से है साहब. अगर आपने वो लेक्चर ढंग से नहीं समझा तो थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है. पहले किस पे आ रहा हूं मैं? मेजर पे. मेजर किससे बनता है? सा, शुद्ध ग और प. कॉर्ड वैसे वेस्टर्न का डम है, लेकिन मैं इसको क्लासिकल से लिंक करके बता रहा हूं, क्योंकि अपना म्यूजिक कौन सा है? शास्त्रीय. इंडियन म्यूजिक, कॉर्ड सिस्टम इन इंडियन म्यूजिक बता रहा हूं साहब आपको मैं. अगर मैं ये, हालांकि मैंने वेस्टर्न भी बताया है इसमें. देखो सा, ग और प, तो ये क्या हो गया? सी प्लस ई प्लस जी. तो दिस इज सी मेजर. सी सा गा पा सा गा पा. क्लियर है? अब देखिएगा सा गा और पा, ये तो हो गया मेरा सी मेजर. वेयर इन जो सी है, सी वो मेरा होता है रूट नोट. बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो सी है मेरा वो है रूट नोट. जिस पहला स्वर सी जिससे मेरा कॉर्ड का नाम जाना जाता है उसको मैं कहता हूं रूट नोट. तो देख लो मेरा पहला सी प्लस क्या है मेरा? सी प्लस ई प्लस जी, तो ये मेरा सी मेजर हो गया. ठीक है? अब मैं आधा, तीनों को आधा आधा स्वर ऊपर चढ़ा दूं. देखना ये सी से मैंने सी शार्प कर दिया, ठीक है? E से मैंने क्या कर दिया? F. और G से क्या कर दिया? G शार्प. तो मेरा C शार्प मेजर हो गया. है वही सा, गा और पा. सा गा बा, सा गा बा गा सा. तो ये मेरा C शार्प मेजर कॉर्ड बन गया. अब ऐसे करके साहब 12 स्वर है मेरे, 12 स्वर है तो 12 कॉर्ड बनेंगे मेरे मेजर के. सा गा बा. अब आधा सुर और चढ़ा दूं तो डी, तो ये मेरा डी डी मेजर कॉर्ड बन गया. आधा और चढ़ा दूं डी शार्प मेजर बन गया. आधा और चढ़ा दूं ई बन गया. आधा और चढ़ा दूं तीनों को क्या बन जाएगा मेरा? एफ मेजर. आधा और चढ़ा दूं एफ शार्प मेजर. आधा और चढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा? जी मेजर. आधा और चढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा मेरा? जी शार्प मेजर. आधा और चढ़ा दूं क्या बन जाएगा? ए मेजर. आधा और चढ़ा दूं ए शार्प मेजर. आधा और चढ़ा दूं तो बी मेजर. तो ऐसे करके मेरे टोटल 12 मेजर कॉर्ड्स बन गए. अब फंडामेंटल रूल क्या है वो समझ लो आप. तो एक कॉर्ड को बजाने के लिए फंडामेंटल रूल क्या रहा मेरा? सी मतलब सा, गा मतलब ई और प मतलब जी. रूट नोट और सेकंड नोट मेरा क्या है? मिडल नोट. और थर्ड नोट का कहता हूं फिफ्थ. ठीक
ठीक है, ये तीन हमारे नाम दिए हुए हैं वेस्टर्न में, रूट नोट, मिडल नोट एंड फिफ्थ, फिफ्थ मतलब थर्ड नोट, बीच का जो इसको कहता हूँ मिडल नोट। तो द डिफरेंस बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहला रूट नोट, रूट नोट और मिडल नोट का अगर डिफरेंस क्या है, चार सेमीटोन। सेमीटोन क्या है, आधे स्वर। जैसे सी और सी शार्प, सी शार्प और डी, कोई गैप नहीं है ना, तो आधे स्वर सेमीटोन कहलाएंगे। लेकिन सी से डी पे जा रहा हूं तो वो टोन कहलाएगा, मतलब एक सुर पूरा। लेकिन सी से सी शार्प जा रहा हूं तो उसका मेरा आधा सुर होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द रूट नोट एंड द मिडल नोट इज फोर सेमीटोन। फोर मेजर की बात कर रहा हूं, देख लो आप, ये एक दो तीन चार, ये मेरा मेजर बन जाएगा। देखो आप, चार सेमीटोन का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक दो तीन और चार। फोर इस टू क्या बताया मैंने, रेशो थ्री, फोर इस टू थ्री रेशो, मेजर के लिए ध्यान रखेंगे, वन टू थ्री। अब देख लो, डिफरेंस बिटवीन द मिडल नोट एंड फिफ्थ इज थ्री सेमीटोन, एक दो तीन। अब ये आप 12 के 12 में अप्लाई कर दो, आपको सारे 12 के 12 कॉर्ड मिल जाएंगे। कोई भी आप देख लो, आप सी शार्प मेजर देखो, डिफरेंस पहला क्या है, 4 इज टू 4 का डिफरेंस देखना है मुझे, कहां से, रूट नोट से देखूंगा। रूट नोट क्या है, सी शार्प, क्योंकि कॉर्ड क्या बजा रहा हूं मैं, सी शार्प मेजर। आई होप आपको समझ आ रहा है, पहला जो मैं कॉर्ड बजा रहा हूं वो कौन सा बजा रहा हूं, सी शार्प मेजर। तो सी शार्प मेरा रूट नोट। अब यहां से चार सेमीटोन काउंट कर लो, एक दो तीन चार, तो क्या मिल गया मुझे, एफ। और यहां मिडल नोट से फिफ्थ नोट, एक दो तीन, मिडल नोट से फिफ्थ नोट का तीन का डिफरेंस, तो ये सी शार्प मेजर बन गया मेरा। अब इस पे सब पे मैं आपको गाने बताऊंगा, तो मेरे 12 मेजर कॉर्ड बन गए। देखो सी मेजर, सी शार्प मेजर, डी मेजर, डी शार्प मेजर, E मेजर, E शार्प कभी नहीं होगा, E शार्प, और सॉरी E मेजर, फिर F मेजर, F शार्प मेजर, G मेजर, G शार्प मेजर, A मेजर, A शार्प मेजर, B मेजर, और फिर वापस C मेजर। तार सप्तक का सा आ गया, तो फिर आगे यही प्रोग्रेशन चलती रहेगी, C मेजर, C शार्प, D मेजर, D शार्प, क्लियर। तो मेरा फंडामेंटल रूल क्या हुआ, सा गा पा, और सा और गा के बीच में आप देख लो कितना फर्क है, एक तो कोमल रे आ रहा है, एक शुद्ध रे आ रहा है, कोमल गा आ रहा है, और गा भी काउंट करोगे तो चार हो गए ना, चार आधे स्वर हो गए। तो रूट नोट और दूसरे नोट में फर्क कितना हुआ, चार सेमीटोन का, और बीच वाले स्वर मिडल नोट और फिफ्थ नोट का फर्क क्या हुआ, तीन नोट का। सा ग प और ग और प में देख लो आप कितना डिफरेंस आ रहा है, एक तो क्या हुआ शुद्ध म, तीव्र म और प खुद, तो थ्री सेमीटोन। तो मेजर कॉर्ड में 4:3 का रेशियो आ गया, क्लियर। अब माइनर समझ लो, मेजर समझ आ गया तो माइनर समझ आ जाएगा आपको। ग, ग को अगर मैं कोमल कर दूं तो माइनर बन जाएगा साहब, तो ऐसे माइनर आपके 12 बन जाएंगे, तो 24 कॉर्ड हो जाएंगे। देखो आप घबराओ मत। सी मेजर, अब क्या करूंगा, ग को कोमल कर दूं, मतलब मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, अब माइनर मेजर माइनर बन गया, सी शार्प में सी शार्प मेजर था, सी शार्प माइनर बन गया, सी शार्प मेजर, सी शार्प माइनर, क्लियर हो रहा है। तो ये तो रेशियो क्या हो गया, 3:4 माइनर में। बहुत ध्यान से, अगर समझ नहीं आ रहा वापस रिपीट करूंगा, वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको आ जाएगा समझ। रेशियो क्या हो गया, 3:4। देखो आप सी शार्प मेजर, या फिर छोड़ो सी माइनर ही देखते हैं, ये मेरा रूट नोट है सी। अब एक दो तीन, तो ग मेरा कोमल हो गया, सा कोमल ग और प लिखा है, देखो पढ़ो, सा प्लस कोमल ग प्लस प, तो देख लो आप सी प्लस डी शार्प प्लस जी, तो एक चेंज कर दिया मैंने, ग को कोमल कर दिया, तो मेरे सारे माइनर बनेंगे। अब माइनर में देखो एक क्या होता है, एक सैडनेस की फीलिंग होती है, और मेजर में एक उत्साह का फीलिंग होता है, एक लाइवलीनेस होती है उसमें, रफली अगर मैं बोलूं तो। ऐसा नहीं है, माइनर में भी अच्छे मतलब हैप्पीनेस के गाने बने हैं, और मेजर में भी अच्छे मतलब वैसे सैड गाने बने हैं, लेकिन रफली मैं बता रहा हूं माइनर मेजर। एक एग्जांपल देता हूं, देखो सारे गा पा करे सारे गा पा, ये है मेजर कॉर्ड, सी शार्प मेजर बजा रहा हूं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की, एक लाइवलीनेस है,
लेकिन अगर मैं ग को कोमल कर दूं, सारे ग प ध स ध प ग र सा, ये हो गई भोपाली से शिवरंजनी। तो जाने कहां गए वो दिन, या फिर मेरे नैना सावनवा, एक सैडनेस आ गई ना, क्योंकि ग को कोमल कर दिया, कॉर्ड माइनर की तरफ चला गया मेरा। ठीक है, इसका सीधा रिलेशन आएगा साहब थाट से। क्लियर हो रहा है? तो अब मैं आपको साहब क्या करूंगा, तो ऐसे मेरे टोटल 12 मेजर कॉर्ड और 12 माइनर कॉर्ड बन गए, टोटल 24 कॉर्ड, इसमें सारे गाने आ जाते हैं आपके। अब सीधा रिलेशन थाट से आपको मैं करवा देता हूं। लेक्चर नंबर 2 और 3 आपने अगर सुना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो साहब, थाट कितने अपने इंडियन क्लासिकल में, 10। क्लियर? एक तो है शुद्ध ग वाले थाट, कितने, 6। एक है कोमल ग वाले थाट, कितने, 4। अब जो थाट में शुद्ध ग लग रहा है उसमें मेजर कॉर्ड लगेंगे मेरे, जिस थाट में मेरा कोमल ग लग रहा है उसमें मेरा माइनर कॉर्ड लगेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो बिलावल, कल्याण, खमाज, पूर्वी, भैरवी और मारवा, इसमें आप कोई भी गाना उठा लो, या इस पे आधारित जो रागे हैं उस पे कोई भी गाना उठा लो, आपको वो मेजर कॉर्ड में मिलेगा, क्योंकि 10 थाट ही तो हमारे क्लासिकल म्यूजिक में जो रागों का क्लासिफिकेशन है 10 थाट में होता है ना, रफली, असावरी, भैरवी और तौड़ी। क्यों? क्योंकि इनमें ग कोमल है। असावरी सारे ग, काफी सारे ग मा पा धा नी सा, भैरवी सारे ग, तौड़ी सारे ग मा धा पा, तो ये माइनर के बनेंगे। कोई भी गाना आप देख लो साहब, आप काफी में उठाओ कोई भी गाना, तेरे बिन सोने सारे का कोमल, लेकिन अगर मैं सारे का शुद्ध कर दूं, तुझे याद कर लिया है, अब ये मेजर में आ रहा है, लेकिन ग कोमल कर दूं मैं, तो देखो आप, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा शिकवा नहीं, सारे का कोमल है तो माइनर कॉर्ड लगेगा मेरे भाई, सारे का शुद्ध है एक प्यार का नगमा है तो ग शुद्ध है तो फिर मेजर कॉर्ड लगेगा। उसका फॉर्मूला मैंने अभी देखो सारे बता दिए, सी शार्प प्लस एफ प्लस जी शार्प, देखो वापस देख लो, सी शार्प प्लस क्या लिखा मैंने, एफ शार्प और ए, सी शार्प प्लस एफ शार्प और ए, देखो आप, तो ये डी मेजर बन जाएगा मेरा, जिस पे आपका दिल दिया मलना है, सुनना, कच्ची डोरी, आतिफ असलम ने इसको डी मेजर से गाया है, ये कच्ची डोरियों डोरियों, फिर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कॉर्ड बदलते रहते हैं, लेकिन मैं तो आपको बेसिक चीज बताने आया हूँ, बेसिक टॉनिक कॉर्ड क्या होता है भाई, वो तो समझो आप। अब आप मान लो आप म्यूजिशियंस के साथ गा रहे हो आप, या किसी महफिल में चले गए, आपको पता ही नहीं कॉर्ड कौन से लग रहे हैं, कोई भी कॉर्ड वो लगा देगा और आपके गले को सूट नहीं करेगा वो, इसलिए पता तो हो कि साहब ओरिजिनल जो गाना है वो कहां से गाया गया है, तभी तो आपको पता, स्केल पता होगा आपको, वरना कुछ भी स्केल आप गा दोगे और ऊंचा नीचा पड़ जाएगा आपको, इसलिए मेरा ये लेक्चर बनाया मैंने अलग से इसका। अब मैं आपसे क्या करूंगा, 12 मेरे 12 मेजर कॉर्ड है, 12 माइनर कॉर्ड है, आपको 12 गाने बताऊंगा मेजर के जो उसी स्केल से गाए हुए, चाहे तो बजा के देख लेना, और 12 गाने बताऊंगा माइनर के जो उसी स्केल में, जो इसका रूट नोट, जो रूट कॉर्ड है, जो उसका वो वही है, रूट कॉर्ड क्या है, जहां से गाना चालू हो रहा है मेरा, जो गाने का सा है, जो गाने का सा आधार। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो साहब, सी मेजर, अच्छा चलता हूं दुआ हूं मैं याद रखना, फिर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग गाना कॉर्ड चेंज हो रहे हैं, लेकिन बेसिक तो कॉर्ड मेरा सी मेजर आ रहा है, सी मेजर। ठीक है, तो आप अगर अरिजीत के स्केल से, अगर अरिजीत जितनी आपकी रेंज है, तो आप इसको सी मेजर से गाओगे। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया दूसरा, देखो क्या, सी शार्प मेजर, अब चाहे तो तानपुरा भी आप उससे, तानपुरा भी यही ऐसे ट्यून्ड होता है, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प,
ई एफ ऐसे 12 जो हैं, तो तानपुरा भी आप उसको अकॉर्डिंग कर सकते हो। चार मेजर से ये दर्द भरा अफसाना है, देखो ये दर्द भरा अफसाना सुन ले दीवाना दीवाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। तो ये सी शार्प मेजर से दर्द भरा अफसाना है आपका। डी मेजर से अभी मैंने आपको बताया दिल दिया गल्ला, देखो कच्ची डोरियों 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 से, ये डी मेजर कॉर्ड चल रहा मेरा, टॉनिक स्केल जो है, ठीक है। अब फिर आता हूं डी शार्प पे, देखो डी शार्प पे मैंने क्या लिखा है आपका, रवि साहब का बहुत अच्छा गाना है जो डी शार्प मेजर पे है, ये मैं पत्र पढ़ के कि तुम नाराज ना हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। डी शार्प मेजर 12 आपको मेजर कॉर्ड्स पे गाने बता रहा हूँ सारे जो उस कॉर्ड से चालू हुए हैं, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, पूरे YouTube पे सर्च कर लेना कि कॉर्ड टॉनिक कॉर्ड के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे सारे गानों का विवरण दे देंगे, ठीक है। ले डी शार्प मेजर, अब ई मेजर पे देखो, ये मेरा ई मेजर बन गया सा ग प, फंडामेंटल प्रिंसिपल सा ग प। एहसान तेरा हो गा मुझ पर सारे गामा परेशान। अब देखो समझो आप, ये गाना किस पे, यमन कल्याण पे। यमन कल्याण का थाट क्या है, कल्याण, कल्याण में ग क्या है, शुद्ध, इसलिए मेजर लग रहा है। देख लो आप, अब इसको माइनर कर दूं तो ग को बोलोगे ग, माइनर मेजर माइनर मेजर, माइनर पे चोक पूरा हो, मेजर पे एहसान तेरा, ये है की, इसको आप पकड़ लो, एहसान तेरा सारे का, सारे का सुतारा है, तो इसका मतलब कॉर्ड मेजर बनेगा, क्यों, थाट क्या है, कल्याण, कल्याण में ग शुद्ध है। एहसान तेरा होगा, तो ये ई मेजर पे, आई होप आई एम क्लियर। दूसरा फिर ई के बाद क्या आएगा साहब, एफ, क्योंकि ई का शार्प नहीं होता, सी के बाद सी शार्प, फिर डी, डी के बाद डी शार्प, फिर ई, ई के बाद एफ आ जाएगा। एफ पे देखो कौन सा गाना है, क्या हुआ तेरा वादा, सुनना, क्या हुआ तेरा वादा। अब ये जो टॉनिक कॉर्ड डिसाइड होता है, ये साहब सिंगर की रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। रफी साहब का पहले देखते हैं रेंज कितनी है, आरडी बर्मन साहब ने जब इसको कंपोज किया था तो उन्होंने देखा था कि रफी साहब का जो माधुर्य स्वर, माधुर्य बेसिक, वो नष्ट तो नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने ये कॉर्ड चुना। हर कंपोजिशन के टॉनिक स्केल अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो सिंगर की रेंज के अकॉर्डिंग चूज हुआ हुआ होता है। अब मान लो अरिजीत होता रफी साहब के टाइम में, तो हो सकता है उसने ऊंचा गाया होता, लेकिन रफी साहब की रेंज के अकॉर्डिंग एफ मेजर क्या हुआ वादा, क्या हुआ तेरा वादा, ये कसम ये इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, ठीक है। अब एफ के बाद क्या गया, एफ शार्प मेजर, देख लो आप, एफ शार्प मेजर में आपका क्या जाएगा, दर्द दिल। तो मैं अगर मैं भी शोज में गाता हूँ तो ये गाना डी शार्प अपने एफ शार्प मेजर से गाता हूँ, पवन कुमार जैन को कहता हूँ बेटा एफ शार्प मेजर दो, ये रहो, ये देखो सब। अब एफ शार्प मेजर पहला सुर क्या है, एफ शार्प, उसी से जाना जाएगा, तभी रूट कहते हैं इसको, रूट नोट। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया अपने, दर्द दिल एफ शार्प मेजर, दर्द जिगर यहाँ पे चेंज हो गया, दिल में जगाया अपने, क्लियर हो गया। एफ शार्प के बाद क्या आएगा, जी मेजर, तो इसमें क्या आएगा साहब, इसमें भी रफी साहब का बहुत अच्छा गाना है, देखो तुम्हारे
जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा सफर उम्र का पल तमाम कर लूंगा। जी मेजर पे, जी मेजर के बाद मेरा जी शार्प, मैंने बताया था किसका, सी डी एफ जी और ए, इन पांचों का शार्प होता है, तो जी तो जी के बाद क्या है? जी शार्प पे गाना देखो आप, बहुत अच्छा था आपका फेवरेट सॉन्ग। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज पे। तो आप मान लो कल को आप रियाज करने बैठते हो तो आपको पता तो हो टॉनिक स्केल क्या है इस गाने का, टॉनिक कॉर्ड ठीक है। अब जी के बाद क्या आएगा, ए, अब ए पे देख लो साहब, देखो ये मेरा ए आ गया ए, अब ए पे क्या आएगा आपका, आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जमाने पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या, आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर, ये ए मेजर में ठीक है। फिर ए के बाद क्या आएगा, ए शार्प मेजर, ये देखो रेशो मेरा वही क्या 4:3 का, सा ग और प, सा ग प से मेरा मेजर कॉर्ड, ग क्या होना चाहिए शुद्ध। तो देखो ए शार्प मेजर पे क्या आ जाएगा आपका, देखो रफी साहब का गाना, छलके तेरी आंखों से शराब और ज़्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज़्यादा, ये रफी साहब का गाना बहुत प्यारा। उसके बाद देखो अब बी मेजर पे, अब साहब ये गाना तो आपको पता ही होगा, तेरे बिना न लेंगे एक बिना, तुझे कितना चाहने लगे हम, बी मेजर सा, सारे का सुतार सारे का बारे बारे सा, ग क्यों आ रहा है शुद्ध, क्योंकि ये बिलावल पे आधारित है, तेरे बिना न लेंगे एक बिना, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार कर, ये बी माइनर का गाना आ गया, तो ये मेरे 12 मेजर हो गए। अब माइनर पे आ जाता हूँ, ऐसे माइनर के गाने देख लो आप, सी माइनर, अब ग क्या होगा कोमल, इसका मतलब कोई भी गाना होगा उसका जो थार उसका जो स्केल होगा वो क्या होगा, इनमें से होगा, या तो वो आसादरी पे होगा, या वो काफी पे होगा, या वो भैरवी पे होगा, या वो तोड़ी पे होगा, एज सिंपल एज दैट, इससे इजी मैं आपको बता ही नहीं सकता। इन जो चार स्केल है, जो कॉम्प्लेक्स स्केल जो मैंने बताया, इन्हीं पे आधारित होगा। अब देख लो, कैफियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, सी माइनर सारे का कोमल, समझ आ रहा है क्या, फिर थोड़ी जगह दे दे मुझे, उसका भी सी माइनर है, फिर और कुछ ऐसा कर के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूं फिलहाल, जो बी प्राक ने गाया वो सी माइनर से गाया है, क्लियर है। अब सी माइनर के बाद सी शार्प माइनर, देखो साहब सी शार्प माइनर में देखो, जनाब ने पुकारा नहीं, अब ये देखो ये राग भैरवी है, सारे राम मगनी सारे धर्म मगर सा, आना जनाब ने पुकारा नहीं, सी शार्प माइनर, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए ठन के, वाला जवाब तुम्हारा नहीं, माना जनाब ने पुकारा नहीं,
सी शार्प माइनर मतलब पहला काला। अच्छा सी शार्प को क्या कहता हूँ, पहला काला, डी शार्प को दूसरा काला, एफ शार्प को तीसरा काला, जी शार्प को चौथा काला, ए शार्प को पांचवा काला। अब मान लो ऐसे के पास चले गए थोड़ा जो वेस्टर्न नहीं जानता, तो साहब उसको आप यही बोलोगे पहला काला दो। अब जो बेचारे जो गांव के लोग होते हैं पहला कालो कटो छे भाई, पहला कालो पूछेगा सी शार्प मना तो कौन समझ आवे भाई, कौन सा कालो बजाना छे ये बतावाने, तो आप बोलोगे चौथा काला बजा भाई, तो चौथा काला मतलब डी जी शार्प, पांचवा काला ए शार्प, वो थोड़ा समझेगा, तो ये भी पता होना चाहिए सी शार्प पहला काला, डी शार्प दूसरा काला देख लो ना, एफ शार्प तीसरा काला, जी शार्प चौथा काला और ए शार्प पांचवा काला। ऐसे सफेद होंगे, पहला सफेद दूसरा सफेद, सी पहला सफेद डी दूसरा सफेद ई तीसरा सफेद एफ सी डी ई एफ, एफ चौथा सफेद जी पांचवा सफेद ए छठा सफेद और बी सातवा सफेद। ठीक है, तो सात सफेद और पांच काले 1200 हो गए, और ये हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में है 12 12। ओके, 12 में सारा जगत का संगीत आ जाता है। अब सी शार्प माइनर में देखो आप, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा और हमारे जैसा दिल कहां मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूं जयपुर की एक रंगी जाम, देखो 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 देखो। ये डी माइनर में, अब ऐसे डी शार्प माइनर पे आ रहा हूं मैं, खोया खोया जहां खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। जो अब कैलाश खेर ने जो गाया है उसको ई माइनर पे गाया है, चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर, ये ई माइनर पे। ई माइनर के बाद क्या जाएगा, एफ, एफ पे आपका गाना देख लो साहब, दिल के झरोके में तुझको बैठा कर रखूंगा मैं, तेरी यादें समा कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाओ दास। ये शिवरंजनी राग, अब शिवरंजनी में ग क्या है, कोमल, तो इसलिए माइनर हो गया। ठीक है, अब देखो आप एफ शार्प मेजर पे देखो कितना अच्छा गाना है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तीसरा काला मतलब एफ शार्प और ग कोमल है तो माइनर, हो जा भी ले जाए राहें संभव है, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। अब इसके बाद क्या है, जी माइनर, भीगी भीगी सड़कों पे मैं, इसने अरिजीत ने इसको जी माइनर पे गाया, तेरा इंतजार कर सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। अब जी शार्प माइनर, जी के बाद क्या है, जी शार्प माइनर, ये रेशमी जुल्फे ये शर्बती आंखें, अब ये क्या है राग काफी, काफी में क्या है ग कोमल, इसलिए इसका जी शार्प माइनर। ठीक है, अब ए माइनर पे देखो, अब टोनी कक्कर, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, देखो ए माइनर, देखो भाई सी डी ई एफ जी ए, और माइनर है तो रेशो क्या होगा 3 का, तो 1 2 3, 3:4, तो 1 2 3 4। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, फिर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, लेकिन बेस सा क्या है, सा टॉनिक कॉर्ड कौन सा है, तो ए माइनर। ठीक है, अब ए शार्प माइनर, ए माइनर के बाद ए शार्प माइनर, तो क्या आएगा, वो आएगा देख लो, वादा कर ले साजना तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे होके जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये इसका ए शार्प माइनर। फिर एंड में आ गया अपना
बी माइनर। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार कर, अपनी आँखों में बसा कर। इसको मेजर बना दो तो ग को चढ़ा दो, ग को शुद्ध तो ये मेजर बन गया। मेजर मेजर माइनर खत्म। मेजर में कौन सा गाना बताया मैंने आपको, बताओ। बी मेजर का दरिया बह गया, लेकिन माइनर बना दो तो अपनी आँखों, तो फीलिंग का फर्क है। ग शुद्ध मतलब एक उमंग उत्साह, ग कोमल कर दो तो एक सैडनेस आ जाती है, एक गंभीरता आ जाती है। ये मेरा कॉर्ड सिस्टम है बॉलीवुड में, इंडियन म्यूजिक में अपने, समझ आया। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, म्यूजिक का अपना आधार क्या है, मेलोडी। मेलोडी में कॉर्ड जोड़ो तो हारमोनी, क्लियर है। तीन स्वर से क्या बनता है, ट्राइड कॉर्ड। एक स्वर से ज्यादा स्वर अगर मैं बजाऊं तो उससे कॉर्ड बनता है। कॉर्ड आधार है हारमोनी का, क्योंकि मेलोडी में कॉर्ड सिस्टम जोड़ूंगा तो ही तो मेरी हारमोनी बनेगी। आगे मैं विशेष इस पर भी लेक्चर बनाऊंगा कि हारमोनी कैसे करते हैं, उसमें मूर्छनाओं का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आपको आज ये समझ आया भाई लेक्चर, ठीक है। अगर समझ आया तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल मेरा रोहित कटारिया सब्सक्राइब कर लीजिएगा।